गाइस वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। अभी टाइम सुबह के 10:30 बज रहे हैं और मैं निकला हूँ अभी अपने होम स्टे से मुक्तेश्वर से अभी निकला हूँ। कौसानी जाना है मुझे, यहाँ से 107 किलोमीटर है टोटल और 4 घंटे का समय लगेगा। और अभी सुबह सुबह उठ के मैं गया था घूमने के लिए मुक्तेश्वर धाम टेम्पल एंड चौली की जाली, काफ़ी अच्छा था, मज़ा आ गया। और यह होम स्टे भी बहुत ही अच्छा था। द बिगेस्ट थिंग इज़ कि यहाँ के जो केयर टेकर हैं ही इज़ वेरी फ्रेंडली एंड द कम्प्लीट फैमिली इज़ वेरी हेल्पफुल। दे विल कीप आस्किंग अबाउट योर नीड्स एंड एवरीथिंग और वो सारी चीज़ें पूरी कर देते हैं ये लोग। सैडल बैग का जो बैलेंस है वो प्रॉपर नहीं लग रहा है मुझे, बाकी देखते हैं कैसा रहता है। काफ़ी सारे बाइकर्स भी आए हुए हैं यहाँ पे, यहाँ पे थोड़ी सी जगह मिलेगी, रुक के एक बार देखूँगा कि बैग का क्या स्कीम है। ब्रेकफास्ट वगैरह करके निकला हूँ वहाँ से, सो अभी कोई ब्रेक नहीं लेना है रास्ते में, यहाँ से सीधा जाना है कौसानी एंड होटल में चेक इन करना है। द बेस्ट पार्ट अबाउट होम स्टेज इज़ कि घर का खाना मिलता है एंड वाकई यहाँ पे भी घर का खाना मिला था, सो कोई चैलेंज नहीं आया, आराम से घर का खाना खा के मैंने कल रात में भी काफ़ी बढ़िया दाल मिली थी, रोटी मिला था एंड सुबह को भी सब्ज़ी मिली, रोटी मिला, सो काफ़ी अच्छा था, बहुत मज़ा आया। एंड अभी निकल चुका हूँ कौसानी, जल्दी से जल्दी पहुँचना है सो दैट अपना जो काम है वो हो सके, घूम सकूँ मैं। ये रास्ता बहुत अच्छा है लेकिन बहुत ज़्यादा नैरो है, गाड़ियाँ आती है तो बिल्कुल रोड छोड़ना पड़ जाता है। आज पूरे दिन ऐसे ही रास्तों पे चलाना है क्योंकि आप सोच लो 107 किलोमीटर है एंड 4 घंटे का समय लगेगा, तो हम 25 के स्पीड पे ही जा पाएंगे, इससे ज़्यादा जा नहीं पाएंगे। अगर आप होम स्टे में रहते हो तो एक और फ़ायदा है कि जो लोकल घूमना है आपको उसके बारे में बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। जैसे अभी मैं गया था घूमने के लिए तो जो ओनर हैं उनके फादर मेरे साथ गए थे एंड ऑफ कोर्स ही इज़ अ लोकल, सो उनके पास बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन थी टेम्पल के बारे में, चौली की जाली के बारे में, सो उन्होंने वो सारा डिटेल दिया मुझे और अच्छे से उन्होंने घुमा दिया मुझे, विच इज़ लाइक अ गाइड, राइट, मतलब फ्री में आपको गाइड भी मिल जाता है, गाइड से एक्चुअली बेटर। आप आगे देख सकते हो यहाँ पे टेरेस फार्मिंग होती है, तो इन्होंने मुझे बताया भी कि अब इधर अपना टेरेस फार्मिंग होती है काफ़ी ज़्यादा, सो ये व्यू भी बहुत अच्छा आ रहा है यहाँ से। बट अभी मैं व्यू के लिए ज़्यादा रुक नहीं सकता क्योंकि मुझे जल्दी कौसानी पहुँचना है, वहाँ भी कुछ प्लेसेस एक्सप्लोर करनी है सो दैट मैं व्लॉग्स भी बना सकूँ। ये कौसानी के लिए वहाँ से लेफ़्ट लिया और ये रास्ता इतना ख़राब है ना, प्रॉपर ऑफ रोड टाइप्स है, बहुत टाइम में लगता है ये रास्ता बना नहीं है। और जो सीधा रास्ता जा रहा था वहाँ से वो 39 मिनट स्लोअर था, तो मैंने ये वाला ले लिया है और पता नहीं कहाँ तक ये ख़राब है रास्ता। और बिल्कुल सुनसान टाइप्स है, कुछ भी नहीं है, दुकान वगैरह कुछ नहीं है यहाँ पे। बहुत ज़्यादा ख़राब है और यहाँ पे गाड़ियाँ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, सोच लो।
तो ये प्रॉपर ऑफ रोड ही है समझ लो एक तरीके से। थोड़े से तो लोग दिखे इस रास्ते पे। आगे 4.8 किलोमीटर से लेफ्ट लेना है, आई होप कि वो रास्ता अच्छा होगा। ये तो पूरा ऑफ रोड है। तो नीचे आते आते रास्ता और भी ज़्यादा ख़राब होते जा रहा है। देख लो यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा है, बट रास्ता पूरा ऑफ रोड ही है। तो यहाँ से एक ढोकानी वाटरफॉल है, ढोकानी वाटरफॉल विच इज़ 31 किलोमीटर्स। एट्टी मीटर्स बाद लेफ्ट है, देखो कैसा रास्ता है वो, आई एम नॉट श्योर। सेम है भाई, सेम है, ये लेफ्ट ले लो और सेम ऑफ रोडिंग ट्रेल कंटिन्यू करो। 5.2 किलोमीटर्स उसके बाद राइट है, तो अब और 5.2 किलोमीटर्स तक ये ऑफ रोड झेलो, उसके बाद भी शायद ख़त्म ना हो, नॉट रियली श्योर। ये छोटे छोटे फार्म्स हैं यहाँ पे और एप्पल ऑर्कड्स भी हैं, बट एप्पल सारा टूट चुका है यहाँ पे। लगता है 39 मिनट स्लोअर वाला जो रास्ता था वही ज़्यादा सही था, ये पूरा टूटा फूटा है रास्ता, पीछे तो और ज़्यादा टूटा हुआ था। एंड यहाँ से 1.4 किलोमीटर के बाद नीचे जाना है राइट, सो अब वो एक दूसरी उम्मीद है कि वहाँ पर रास्ता सही होगा। बाकी जैसे जैसे आगे जा रहे हैं वैसे वैसे रास्ता और ख़राब ही होता जा रहा है। यहाँ से राइट है एंड आई होप कि ये जो रास्ता है ये थोड़ा सा सही होगा, थोड़ा क्या काफ़ी सही है ये रास्ता। एंड यहाँ पे पता नहीं कोई रैली चल रही है, आजकल हर जगह पे रैली चल रही है। सो फाइनली ये जो रोड है ये अच्छा है उस ऑफ रोड ट्रेल से, विच इज़ अ गुड थिंग। अब यहाँ पे थोड़ा सा स्पीड मेंटेन हो जाएगा, बट वो ऑफ रोड का भी एक्सपीरियंस अलग ही था, मज़ा आ गया वैसे। बट यही है कि पूरा खाली रास्ता था, अगर आपको वहाँ पे कोई दिक्कत आ गई तो हेल्प बहुत मुश्किल है वहाँ पे। रोड बिल्कुल मक्खन है, मक्खन हल्के हल्के छोटे छोटे पैचेज हैं, बट अदर देन दैट रोड बिल्कुल मक्खन है। एंड नज़ारा तो आपको मालूम ही है यहाँ का कैसा है, ये देखो। ऐसे रोड पे मज़ा आ जाता है, लेकिन वहाँ पे पूरा डाउनहिल था एंड वापस से अभी क्लाइम चालू हो गया है, प्रॉपर क्लाइम। कान भी बंद होने लगा है क्लाइम के वजह से, ऑल्टीट्यूड बढ़ रहा है। ओ भाई साहब ये देखो, हार्ले की बाइक्स खड़ी हैं सारी लाइन से, यहाँ पे बाइकर्स आए हैं बहुत सारे, BMW GS भी खड़ी है। तो 85 किलोमीटर लेफ्ट एंड 3 घंटे लगेंगे यार। सो टाइम अभी 11 बज रहा है एंड 2:20 तक पहुंच जाऊंगा एज़ पर मैप्स। आई विल ट्राई टू कवर द 20 मिनट्स और 2 बजे तक पहुंच जाऊं।
ये जो रोड है ये बहुत अच्छा रोड है, पूरा मक्खन है, कहीं पे भी कुछ भी ख़राब नहीं है रोड पे, आराम से यहाँ पे पहाड़ों में जो बाइक चलाने का मज़ा है ना वो इसी ऐसे ही रोड पे आता है और बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। बिल्कुल ऐसे कर्वी कॉर्नर्स हैं यहाँ पे एंड रोड बिल्कुल मक्खन बना हुआ है, व्यू इतना अमेजिंग है एंड मौसम भी काफ़ी अच्छा है, इस वजह से बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। अगर किसी को कॉर्नरिंग करना पसंद है अपनी बाइक पे ना, उसके लिए ये जगह बेस्ट है। बिल्कुल रोड इतना सही बना हुआ है कि आप आराम से कॉर्नर कर सकते हो यहाँ पे। मुझे शौक नहीं है वैसे कॉर्नरिंग का जब आपकी बाइक फुल्ली लोडेड हो तो आप क्या ही कॉर्नरिंग करोगे। और ये देखो कितना ज़्यादा स्टीप लेफ्ट टर्न है, यहाँ से चढ़ाते वक्त भी बहुत ज़्यादा स्टीप राइट टर्न एंड देन क्लाइम। और यहाँ दोनों साइड से सिर्फ पाइन के पेड़ हैं, पाइन का ही जंगल है पूरा ये, और जब यहाँ पे बर्फ़ पड़ती होगी तो सच में बहुत मज़ा आता होगा यार। यहाँ से भी आपको ये स्टेप फार्मिंग का पूरा अच्छा व्यू आ रहा होगा, आगे देख लो ऐसे स्टेयर्स के जैसा पहाड़ को काट के और उस पर फार्मिंग करते हैं। ओके सो टाइम हो रहा है 11:40 और यहाँ से 70 किलोमीटर और बाकी है, 2 घंटे 31 मिनट यानी ऑलमोस्ट 2.5 घंटे लगेंगे यहाँ से जाने के लिए। और ये पूरा वहाँ से डाउनहिल ही चल रहा है अभी। आगे जाके फ्यूल अप करना पड़ेगा बिकॉज यहाँ पे फ्यूल पंप जो है वो बहुत कम है, सो नेक्स्ट जो भी फ्यूल पंप मिलेगा वहाँ पे रिफ्यूलिंग करा लूँगा सो दैट आगे जब वहाँ से मैं नैनीताल जाऊँ या फिर कौसानी में भी घूमने के लिए अगर निकलूँ तो फ्यूल रहे मेरे पास। ये जो रास्ता है अल्मोड़ा होके निकलेगा तो वहाँ पे आई गेस फ्यूल पंप मिलना चाहिए जैसा पीछे मुझे होम स्टे में बताया गया था, तो वहाँ पे अगर फ्यूल पंप मिलता है तो रिफिलिंग करा लूँगा मैं। यहाँ से राइट लेना है अपने को और इस पुल से होके जाना है। वाह एक बार में एक ही गाड़ी निकलेगी इसके वजह से यहाँ पे रुकना पड़ेगा अपने को। एक बस है, बस आ रही है, बस निकल जाए। वैसे अल्मोड़ा 13 किलोमीटर्स है एंड कौसानी इज 64 किलोमीटर्स। चलो फिर इस आयरन पुल से होके निकलते हैं। यहाँ पे रिवर है, मुझे नाम नहीं पता है। सो नंदा देवी इज़ 14 किलोमीटर्स यहाँ से, अल्मोड़ा इज़ 13, डियर पार्क 21 किलोमीटर। तो ये सब जगह है यहाँ से जाने के लिए। अपने को कौसानी जाना है विच इज 64 और अल्टीमेट व्यू आ रहा है यहाँ से। अल्टीमेट और यहाँ पे हनुमान मंदिर है। आई विश मैं रुक के जा सकता हूँ लेकिन थोड़ा सा लेट हो रहा है।